यह तुलसी का पौधा जो हमारे हिंदू धर्म में इसको बहुत पवित्र माना जाता है, जो 5 से 7 साल तक इसी तरह हरा भरा रहता है, लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसा पौधा जो 5000 सालों से इसी तरह से हरा भरा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं स्टेमच और आप देख रहे हैं देवभूमि बी के। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं हमारे गुजरात में बनासकांठा जिले के थराद तहसील के नारोली गांव में, जहां पर महाभारत काल का एक तुलसी का पौधा है जो 5000 सालों से इसी तरह से हरा भरा है। चल मेले नू चली आले फड़ कुंजियां ते। हम पहुंच चुके हैं तुलसी धाम नारोली में। ये है वो तुलसी का पौधा। कहते कि महाभारत काल में ये हिडंबा वन था और पांडव वनवास के दरमियान यहाँ पर रुके थे, तो कुंता माता ने दातुन करके यहाँ पर जमीन में गाड़ दिया था और इसी से तुलसी का पौधा निकला था जो 5000 साल से इसी तरह से हरा भरा है। हमने गांव के सुमिर सिंह राजपूत से बात की तो उन्होंने बताया कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुनते आ रहे हैं कि ये पौधा इसी तरह से हरा भरा है, अकाल हो, बारिश हो, न हो, ये पौधा हरा भरा ही रहता है। और इसके जो बीज निकलते हैं वो कहीं ले जाकर इसको लगाने पर पौधा नहीं निकलता है। कम मात्रा में लोग यहाँ पर देखने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन मैं और मेरा दोस्त सुखसुन यहाँ पर आए, इसका विजिट किया और अब तक ये वीडियो पहुँचा रहे हैं। और ये सुमिर सिंह राजपूत ने हमको इतिहास के बारे में रूबरू कराया। महाभारत काल का पौधा वो बता रहे कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम ये बात सुनते आ रहे हैं। और यहाँ पर भगवान श्री राम का बहुत ही बड़ा मंदिर निर्माण हो रहा है, भारत से बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पर निर्माण है जो 1-2 साल में पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। ये भगवान, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।